देखना है क्लास दस के, क्लास दस के मैथ प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.3। आज अब हम लोग को देखना है क्लास दस के मैथ में प्रश्नावली 5.3। यहाँ पे क्वेश्चन है 7 नंबर, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 49 है। हल कीजिए, यहाँ पे हल में हो जाएगा एन बराबर 22 पद, डी बराबर कितना है 7, एन बराबर हो जाएगा 149। अब हम लोग ज्ञात करना है ए और एस एन। हम लोग करेंगे सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है। ए एन का मान 149, ए का मान नहीं दिया है, एन का मान कितना है 22 माइनस एक, बी का मान कितना है 7। 149 बराबर 9 प्लस हो जाएगा 21 गुणा कितना हो जाएगा 7। सर ए का मान नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा मिस्टेक हो रहा है, ए का मान नहीं दिया हुआ है। अब 149 बराबर ए 7 हो जाएगा, 7 × 14 हो जाएगा, प्लस नहीं कराएगा तो माइनस है, इसलिए ए बराबर हो जाएगा कितना, ए बराबर हो जाएगा 149 अगर प्लस नहीं कराएगा तो माइनस, 147 बराबर हो जाएगा कितना 2। ए का मान कितना निकल गया हम लोग का, तो ए का मान हो गया यहाँ पे 2। अब एस एन का मान ज्ञात करना है, एस एन बराबर होता है एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। चलिए यहाँ पर हम लोग को देखना है एन का मान 22 दिया है बट्टा 2, टू और ए का मान कितना आया है 2 आ गया है, 2 प्लस 22 माइनस एक इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान दिया हुआ हम लोग का 7, डी का मान कितना दिया है 7। अब देखना है 11, यहाँ पे हो जाएगा कटाएंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 22 में से कितना कटाएंगे, 22 में से यहाँ पे कटाएंगे कितना हो जाएगा 21 पूरा हो जाएगा कितना 7। 11 अब यहाँ पे कर देंगे 4 प्लस 7, 7 × 14 147। आइए 11 गुणे 147 में यहाँ पे हो जाएगा 151, गुणा कर देंगे 151 में, चलिए 151 को गुणा कर दीजिए 151 हो जाएगा, 1661 कितना हो जाएगा 1661। एस एन का मान कितना हो जाएगा, एस एन का मान हो जाएगा 1661, एस एन का मान कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1661 हो जाएगा एस एन का मान, नोट कर लीजिए। आप देखना है हम लोग को अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8, लिखा गया है उस एपी का, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्रमशः
चौदह और अठारह, चौदह और अठारह। चलिए देखिए तो क्या लिखा गया है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए हम लोग हल करते हैं, हल कीजिए। हल में हम लोग देखेंगे दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना है 18। तो हम लोग बनाएंगे a प्लस बी बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ये a होता है, ये जो a होता है या a2 होता है या a3 होता है या कितना होता है a4 होता है। तो जब हम लोग पूछेगा दूसरा पद तो हम लोग कर देंगे a प्लस a, a प्लस होता है d, या एक और यह कौन सा पद हो गया, दूसरा पद हो गया, और तीसरा पद कह जाता है a प्लस कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो अब हम लोग कौन सा पद लिखना है, दूसरा पद। तो a प्लस b बराबर कितना दिया है 14, इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना कर लेंगे एक, इसको समीकरण नंबर कितना कर लेंगे एक। आ यहाँ पे क्या बोला है तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी बराबर कितना हो जाएगा 18, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर दो। चलिए इसको कर लीजिए, समीकरण एक में से दो को घटा दीजिए, घटाओ चीज कर दीजिए, चीज पलट गया, समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो ए से ए कैंसिल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे यह क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए डी बराबर हो जाएगा हम लोग को, इसलिए डी बराबर हो जाएगा कितना 4। समीकरण एक में डी का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा समीकरण ए प्लस, समीकरण ए प्लस बी बराबर कितना है 14, तो ए का मान कितना, सॉरी डी का मान कितना आया है, डी का मान कितना है हम लोग का 4, यहाँ पर कर लीजिए ए प्लस 4 बराबर कितना है 14, इसलिए ए बराबर 14 माइनस 4 बराबर हो जाएगा कितना 10, ए का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का ए का मान 10 हो गया, डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया आपका 4, और कितना है एन का मान हो गया 51। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस एन टू डी हो, एन का मान कितना है, एन का मान 51 बटा दो, टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस एन का मान कितना है 51 माइनस एक इंटू डी का मान कितना है 4। अब चलिए 51 बटा दो, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 50, 51 में से एक घटाएं कितना हो जाएगा 50, 50 पूरा हो जाएगा 4, 51 बटा दो, और इसको हम क्या करेंगे 20 प्लस यहाँ पर कर देंगे 200, 51 बटा दो गुणे यहाँ पर हो जाएगा 220, घटाएंगे 11 हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे 51 में गुणा कर देंगे 110 से। चलिए हम लोग गुणा करते हैं 51 में, हम लोग गुणा कर दीजिए 51 में आपको गुणा करना है 11 से, 165, 165 यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हम लोग कर देंगे, अरे नीचे लिख दीजिए 5610 हो जाएगा, 56 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे पद 51 पदों का मान, 51 पदों का योग जो होगा हम लोग का, एसएन बराबर कितना हो जाएगा, एसएन बराबर कितना हो जाएगा 5610, और हम लोग का ए का मान कितना हो जाएगा 10, डी का मान कितना हो जाएगा 4, और एन का मान दिया हुआ है ऑलरेडी, पहले से ए का मान दिया हुआ है, और जब मैंने इसको मान रखा तो हम लोग का आंसर आ गया कितना 5600, कितना है 5610 है। देख लीजिए आप सबका आंसर मिल रहा है, जो मिल रहा है बताइए।